Hello, brilliant students. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time, students. This time we are doing for class 7th. Exercise है ये 2.1. इसका question number हम कर रहे हैं. Chapter का नाम fractions and decimals. और question number कर रहे हैं अभी हम 8th. Right? Question में क्या है? Let us see. देखते हैं क्या है इसमें. माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स. माइकल ने क्या किया, एक पिक्चर को कलर करने में 7/12 आवर्स का टाइम लिया, यानी कि एक घंटे का इतना पार्ट. वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर. वैभव ने इसी पिक्चर को कलर करने में 3/4 आवर का टाइम लिया, यानी कि एक घंटे का 3/4 पार्ट्स. हु वर्क्ड लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया. बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, वो कितना फ्रैक्शन ज़्यादा था. यानी कि ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें सिचुएशन बदल गई है, कुछ कंडीशन जो और जो ये फ्रैक्शंस है ये बदल गए हैं, बाकी ये सेम क्वेश्चन है, वैसा ही हम इसको वैसे ही करेंगे. देन लेट अस डू. तो ये रहा हमारे पास, ये है क्वेश्चन और इसका आप सॉल्यूशन करते हैं फटा से फट. ओके, सॉल्यूशन कलर दिस वन. तो पहले पहले हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन आर इज इक्वल टू, यही से स्टेटमेंट उठा ली हमने, ठीक है, ये कर दिया. और जो ये 7/12 है ये हम इक्वल के दूसरी तरफ कर देंगे, 7/12 आवर्स इतने टाइम के अंदर किया. इसको इग्नोर कीजिए, कुछ ये एरर वगैरह दिखा रहा है. नेक्स्ट है वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन आर, हमने यही स्टेटमेंट उठानी है और यहाँ रखनी है. और जो ये 3/4 है इसको हम रखेंगे इक्वल के दूसरी तरफ, राइट. तो ये हो गया. उसके बाद हमें आंसर देना था हु वर्क्ड लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर तक काम किया. तो हमें इसका आंसर देना है हु वर्क्ड लॉन्गर. तो ये पता तो तब चलेगा जब हमारे सामने हमें ये पता हो कि डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है. डेनोमिनेटर सेम होने के बाद ही तो हम कर सकते हैं. तो हम ऐसा करते हैं, इसको जो 7/12 वाला है इसको यहाँ लिख लिया और 3/4 है इसको भी लिख लेते हैं. तो देखते हैं कि कौन सा बिगर है. अब क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, दोनों सेम होंगे तभी ना. 4 और 12 का एलसीएम होता है कितना, हम एलसीएम जो है यहाँ निकालते हैं एक्सेल के अंदर. यहाँ मैंने लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 12, राइट. और इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना कैसे निकालते हैं. तो हम पहले इसको 2 से करते हैं. 2 से जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2. इन दोनों की जगह 4 की जगह आ जाएगा 2 और 12 की जगह आ जाएगा 6, राइट. अब दोबारा से हम क्या है इसको 2 से करेंगे तो इस 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 2 की जगह आ जाएगा 1 और 6 की जगह आ जाएगा 3. फिर अब 2 की तो मल्टीपल ख़त्म हो गए यहाँ पर, अब बारी आती है 3 की. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह क्या होगा, 1 की जगह तो 1 ही आ गया, 3 की जगह 1 आ जाएगा, राइट. तो आपने देखा कि हमने कैसे ये
एलसीएम निकाला, ये इस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाल दिया, राइट। तो क्या एलसीएम आया हमारे पास, जो अवेलेबल हुआ है वो है 2 एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई जो एलसीएम हमारा आया है वो आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, 2 2 4 3 12 12 हमारा एलसीएम आया, राइट। तो फिर अब करते हैं, यहाँ पर तो 4 है तो इसको 12 बना, ये तो 12 है ही, और इसको 4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3 बाय 3 से। तो मल्टीप्लाई 3 बाय 3, क्या आया हमें, क्या मिला, 7 बाय 12। और यहां पर इसकी जगह आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 12, ये हो गया खत्म, राइट। आप देख पा रहे हैं यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3 है, उसका 9 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया। तो दोनों में कौन बिगर है, दोनों में बिगर है 9। तो 9 पार्ट है 3 बाय 4 का, 9 बाय 12 3 बाय 4 का, 3 बाय 4 है इसका, यानी कि वैभव ने ज़्यादा टाइम तक किया है काम, और कितना ज़्यादा किया है फिर हम वो भी निकालेंगे, राइट। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट यही से उठा लेते हैं, व्हाट हु वर्कड लॉन्गर, यहाँ लिखते हैं हु की जगह नाम आ जाएगा वैभव, वैभव वर्कड लॉन्गर बाय हाउ मच, हाउ मच के लिए हम यही चीज़ें फिर लिखेंगे, पहले कौन आएगा, हम ज़्यादा वाले पार्ट को माइनस करेंगे, 3 बाय 4 को हम माइनस कर देंगे, 3 बाय 4 से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है इससे, इसके बाद हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, हमें पहले ये करना होगा 3 बाय 4 मल्टीप्लाई 3 बाय 3 माइनस 7 बाय 12, जो हमने किया था वही चीज़। फिर इसके बाद जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, 9 बाय 12 आ जाएगा, किसकी जगह, इसकी जगह, 3 बाय 4 मल्टीप्लाई 3 बाय 3 की जगह 9 बाय 12 आ गया, माइनस में 7 बाय 12। तो ये वाला जो पार्ट है हमने अभी किया है, क्लियर हुआ कुछ। और हमें जो आंसर मिला है वो क्या आया, हमें आंसर मिला 2 बाय 12, 2 बाय 12 मतलब 7, जो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 से और ये दोनों के दोनों जो है डिवाइड हो जाएंगे 2 से, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और यही चीज़ जो डिवीजन है हम नीचे भी करेंगे, 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलने मिलेगा फिर इसके बाद, जब ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर 2 बाय 2 से 1 मिला, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे मिलेगा 6, तो 1 बाय 6 हमारा ये आंसर आता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कुछ, ये हमने मिटो दिया, ओके। तो ये हमारा हुआ आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। हमने इस तरीके से ये सेवन्थ पार्ट था ये, या एट पार्ट, विटामिन आर्ट एट पार्ट था ये, तो हमने ये एट्थ वाला जो सॉल्यूशन है ये भी कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।